आप सभी का स्वागत करता हूं मैं से एजुकेशन चैनल पर। हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क, जी हाँ दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, पुरुष महिला वाला बच्चा वाला सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरुष महिला व बच्चे पर प्रश्न। क्वेश्चन में 5 पुरुष व 4 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है दोस्तों। 5 पुरुष 4 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में करेगा? क्या कर 5 पुरुष 6 दिन में काम करता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं 5 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में काम करता है। और 4 महिला उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहा है। 4 महिला उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। जब 5 पुरुष 6 दिन में करेगा तो 6 × 5 = 30, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30। अब 4 महिला 6 दिन में काम कर रही है तो 6 × 6 = 24, तो कितने दिन में काम करेंगे? 24 दिन में। तो इन दोनों का क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। जब 120 को 30 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा दोस्तों। ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। जब 120 को 24 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? 5 बार में जाएगा। क्या कहा गया है? 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में काम करेगा? ये कौन सा वाला है? पुरुष वाला है और ये महिला वाला। 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में काम करेगा? 1 पुरुष, मतलब इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ 2 रहता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ 5 रहता हम 5 से मल्टीप्लाई करते दोस्तों, लेकिन यहाँ पूछा गया है 1 पुरुष। अब यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे? महिला से, 1 महिला। यहाँ वैसे भी होता, अगर 2 महिला बोलता 2 से करते, अगर 5 बोलता तो 5 से करते। चलिए देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते थे 4 × 1 = 4 और 5 × 1 = 5। तो इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। 4 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये वाला किससे हम क्या करेंगे? एलसीएम से भाग कर देंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर भाग कर देते हैं, 120 है हमारा एलसीएम, एलसीएम से 9 उसको भाग कर देंगे, जो यहाँ ऐड किए हैं हम इसी को एलसीएम से भाग करना है। अगर इन दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 से 9 = 9, फिर 3 बचा दो, 3 × 9 = 9 = 27, 7 में हो गया दोस्तों, फिर जैसे 1 = 13 / 1/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 13 / 1/3। सेम पहले जैसा वाला क्वेश्चन जैसा बना है, क्या बोल रहे? 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है। सिर्फ क्या कहा गया यहाँ? अंक बस चेंज किया गया है, नंबर बस चेंज किया गया है। 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 3 पुरुष और 2 महिला कितने समय में करेगा? क्या बोला गया? 4 पुरुष है जो किसी काम को 6 दिन में करता है और 5 महिला उसी काम को 6 दिन में करता है। 5 महिला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 6 × 24, तो ये कितना आ जाएगा? 24 पुरुष और 6 × 5 = 30, यहाँ 30 महिला। तो फिर इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे, तो हमारे एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 120 को 24 से काटेंगे कितना बार में जाएगा दोस्तों? 4 बार में जाएगा। फिर 120 को 30 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा दोस्तों। और यहाँ बोला गया 3 पुरुष और 2 महिला कितने समय में करेगा, तो क्या करेंगे इसमें? पुरुष से और इसमें महिला से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 3 पुरुष बोला गया यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 से। अगर 2 महिला तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना? 4 × 3 = 12। सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 बार जाएगा, 24 × 5 = 120 होता है, 30 × 120 होता है, 4 बार में जाएगा दोस्तों, ये 5 बार में जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 2 = 8।
इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा जितना भी ऐड करेंगे उस एलसीएम से भाग कर देंगे दोस्तों। हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 से ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। इनसे हम काट देंगे, कितना बार में जाएगा दोस्तों, 5 बार में जाएगा। 23 पंचे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 23 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 23 पंचे 115, 5 बच रहे तो 5 की इधर, तो 23 पंचे 115 में 5 जोड़ेंगे तो 120, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे आसान वाला सवाल दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन, 10 पुरुष 20 महिला, 10 पुरुष 20 महिला व 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले पुरुष और महिला और बच्चे को ले लेते हैं, 10 पुरुष अनुपात 20 महिला ले लेते हैं और 40 बच्चे हैं, तो शॉर्ट रूप में लेंगे तो इन पहले 0-0 को काट देते हैं। तो एक पुरुष हो गया, एक पुरुष, दो महिला और हमारा क्या हो गया, 4 बच्चे। ये हमारा बच्चा हो गया, ठीक है। तो 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे उस कार्य का आधा भाग कितना समय में करेगा। तो सबसे पहले हम पूरा निकालेंगे तभी तो आधा करेंगे क्या, सबसे पहले पूरा निकालते हैं। तो 5 पुरुष और 5 महिला और 5 बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे, इन सब में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, तो टोटल क्या हो गया हमारा, 35 बच्चे हैं। टोटल हमारे 35 बच्चे निकल गए हैं। तो 35 बच्चों में कितना महीना निकालना है, 7 महीने का, एक महीने का कार्य होगा तो 7 महीने का निकलेगा। तो एक महीने का कार्य है तो हमारे कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं एक महीना के लिए, और कितने बच्चे थे टोटल, 40, 40 बच्चे थे कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहीं से इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और इसको काट दे, 5 एकम 5 अट्ठे 40, तो x = 8। तो ये हमारा x का पूरा काम हो गया, कितने समय में करेगा, पूरा काम के लिए है। तो पूछा क्या गया है सवाल में, आधा कार्य, तो इसका आधा कार्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है पुरुष पर आधारित सवाल। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर 4 गुना कार्य करते हैं। 5 पुरुष और 2 लड़के मिलकर 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर करते हैं। 5 पुरुष 2 लड़के मिलकर 4 गुना कार्य कर रहे हैं जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर कर रहे हैं। तो एक पुरुष और एक लड़के का कार्य क्षमता का अनुपात क्या है दोस्तों, सिर्फ अनुपात पूछा गया है इनका। पांच पुरुष और दो लड़के मिलकर 4 गुना जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर करते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़के का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, 5 पुरुष है हमारा और 2 लड़के हैं हमारे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पुरुष हो गया है, ये प्लस है दोस्तों, और ये प्लस 4 एकम 4, 4 लड़के, तो इन दोनों को इधर पक्षा, पुरुष पुरुष को इधर ले जाएंगे और महिला को मतलब बच्चे को इधर ले आएंगे, तो पक्षांतर कर देते हैं, ये पुरुष वाला इधर आ जाएगा और ये लड़का वाला इधर चले जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 पुरुष, और इधर लड़के में घटाएंगे तो 4 में 2 घटाएंगे, 2 बच्चे, तो एक लड़का और एक पुरुष का कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा।
तो पुरुष और कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2:1 लिख सकते हैं। अगर अनुपात में पूछा गया है तो इसको 2:1 लिखेंगे, अगर इसके कार्य क्षमता अनुपात नहीं पूछा जाता तो सिर्फ इसका आंसर 2 आता दोस्तों।